मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स अथवा गणितीय सांख्यिकी में हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन गणितीय प्रत्याशा का अध्ययन कर रहे हैं। एक सिंगल वेरिएबल एक्स के लिए हम एक्सपेक्टेशन ई ऑफ एक्स डिफाइन कर चुके हैं, उस पर बेस्ड सिंपल एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। आज हम इसी मेजर एक्सपेक्टेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हों, एक ही ट्रायल या दो अलग अलग ट्रायल्स के लिए एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएट हों, दो रैंडम वेरिएट हों, तो उनके सम का एक्सपेक्टेशन क्या होगा और उनके मल्टीप्लिकेशन का एक्सपेक्टेशन क्या होगा। तो इनके लिए हम दो थ्योरम्स देखेंगे। थ्योरम ए, दो यादृच्छिक विचरों के योग की गणितीय प्रत्याशा उनकी प्रत्याशाओं के योग के बराबर होती है। द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द सम ऑफ टू रैंडम वेरिएट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस, दैट इज ई ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई। यानी x और y अगर दो रैंडम वेरिएट हैं तो उनके सम की एक्सपेक्टेशन दोनों की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस के सम के बराबर होती है। इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत आसान सा प्रूफ है। चूंकि गिवन दैट थ्योरम में बता दिया गया है कि x और y दोनों रैंडम वेरिएट हैं, रैंडम वेरिएट की डेफिनेशन से हम जानते हैं अगर x रैंडम वेरिएट है तो x के मानों के संगत x के कुछ मान होंगे, x कुछ मानों को ग्रहण करेगा जो कि x1 x2 xm है। ये हमने मान लिया कि x जिन मानों को ग्रहण करता है वो इस प्रकार हैं और इन मानों के संगत कुछ प्रायिकताएं होंगी, इन मानों के लिए इन वैल्यूज के करेस्पॉन्ड कुछ प्रोबेबिलिटीज होंगी जो कि p1 p2 pm है। ये हम जानते हैं रैंडम वेरिएट की डेफिनेशन से। इसी प्रकार y के कुछ मान होंगे, उनको हमने माना कि वो y1 y2 yn है और उनके संगत प्रायिकताएं p1 dash p2 dash pn dash हैं। तब x plus y भी एक रैंडम वेरिएट होगा और जिसके मान एक्स आई प्लस वाई जे जहाँ आई इक्वल्स टू वन टू एम और जे इक्वल्स टू वन टू एन होगा। यहाँ देख सकते हैं कि एक्स एम वैल्यूज को ग्रहण करता है, आई इक्वल्स टू वन टू एम होगा। इसी प्रकार वाई जो है वो एन वैल्यूज को ग्रहण करता है तो आई इक्वल्स टू वन टू एम होगा और जे इक्वल्स टू वन टू एन होगा। यानी फाइनली हम ये कह सकते हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे एम एन वैल्यूज को ग्रहण करेगा। ये जो नया वेरिएट एक्स प्लस वाई होगा ये वेरिएट एम एन मानों को ग्रहण करेगा। आप इजीली देख सकते हैं अगर आप आई इक्वल्स टू वन रखेंगे तो एक्स वन जे को अगर वेरी करें, एक्स वन प्लस वाई वन, जे इक्वल्स टू टू रखेंगे तो एक्स वन प्लस वाई टू, जे इक्वल्स टू एन रखेंगे तो एक्स वन प्लस वाई एन। इस तरह से जब आपने आई को फिक्स किया, आई इक्वल्स टू वन लेकर चले तो आपको एन वैल्यूज मिली। इसी तरह से अगर आप आई इक्वल्स टू टू फिक्स कर देंगे तो एक्स टू प्लस वाई वन, एक्स टू प्लस वाई टू, एक्स टू प्लस वाई एन, तो उस केस में भी आपको n वैल्यूज मिलेंगी। इसी प्रकार जब i इक्वल्स टू m फिक्स करेंगे तो आपको n वैल्यूज मिलेंगी जो कि इस प्रकार होंगी एक्स एम प्लस वाई वन, एक्स एम प्लस वाई टू, एक्स एम प्लस वाई एन। तो ये n वैल्यूज इस प्रकार होंगी, यानी टोटल जो वैल्यूज होंगी वो एम एन होंगी। तो ये जो नया वेरिएट एक्स आई प्लस वाई जे होगा ये एम एन वैल्यूज को ग्रहण करेगा। अब ये हम मान लेते हैं कि इन मानों के संगत जो प्रायिकताएं हैं वो पी आई जे हैं। यहाँ हमें पता नहीं है कि पी आई जे किस प्रकार हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे बाद में। तो इन मानों के संगत, चूंकि एक रैंडम वेरिएट है इसके मानों के संगत प्रायिकताएं होंगी, तो वो पी आई जे जहाँ आई एक से लेकर एम तक होगा और जे एक से लेकर एन तक होगा, वो इस प्रकार है कि जब एक्स इक्वल्स टू एक्स आई और वाई इक्वल्स टू वाई जे हो। यानी ट्रायल के लिए जब एक्स इक्वल्स टू एक्स आई हो और वाई इक्वल्स टू वाई जे हो, उस केस में पी आई जे ये इस प्रायिकता को व्यक्त करता है। यानी x प्लस वाई के इन मानों के संगत प्रायिकता पी आई जे है। अब यहां हम देख सकते हैं कि जब j इक्वल्स टू वन टू एन हो, यानी समेशन जो लिया गया है वो j के ऊपर है, i फिक्स होगा, तो हम इस समेशन को एक्सपांडेड फॉर्म में देख सकते हैं। इसके लिए ये एक्सप्रेशन होगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं j इक्वल्स टू वन, j इक्वल्स टू टू, j इक्वल्स टू एन, ये हमारे पास टर्म्स होंगी। यहाँ से हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन से लिख सकते हैं पी आई वन ये होगा पी आई टू प्लस पी आई एन जो कि पी ऑफ आई के इक्वल होगा। ये हम जानते हैं कि वाई एक रैंडम वेरिएट है, रैंडम वेरिएट की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि वाई के जो भी मान होंगे ये परस्पर अपवर्जी स्थितियां होंगी। इन मानों के संगत जो स्थितियां होंगी वो परस्पर अपवर्जी होंगी, म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगी, y1, y2, yn,
और इनके संगत प्रायिकताओं का योग समेशन पी जे डैश इक्वल्स टू 1 होगा। सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, 1 होता है, ये हम जानते हैं रैंडम वेरिएट की डेफिनेशन से। तो ये जो स्थिति होगी कि xi तथा y1 यानी ये घटना घटित होने के बाद xi के घटित होने की प्रायिकता, इसी प्रकार से y2 जब घटना घटित हो, y2 जब स्थिति हो उस स्थिति में xi की प्रायिकता, जब yn घटना घटित हो उस स्थिति में xi की प्रायिकता। तो ये सभी घटनाओं के परस्पर अपवर्जी घटनाओं में से किसी भी एक स्थिति में xi के घटित होने की प्रायिकता के बराबर होगी, यानी ये जो सम होगा ये इन सबके योग के बराबर होगा। और ये हम जानते हैं प्रायिकता के योग प्रमेय से, जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं तो उन सबकी सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग अभीष्ट प्रायिकता के बराबर होगा। तो xi की जो प्रायिकता होगी वो इसके बराबर होगी। इसी प्रकार से अगर हम इसी pij के ऊपर समेशन ले i इक्वल्स टू 1 टू m, तो ये pj डैश के बराबर होगा। यहां समेशन i पर वेरी होगा, इसको हम समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। अतः e(x+y) गणितीय प्रत्याशा की परिभाषा से हम जानते हैं e(x+y) के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। यहाँ दो समेशन होंगे क्योंकि x+y की mn वैल्यूज हैं, i इक्वल्स टू 1 टू m, j इक्वल्स टू 1 टू n, pij इंटू xi+yj वेरिएट की वैल्यूज इंटू करस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटीज। इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने अप्लाई किया है, तो इस एक्सप्रेशन को हम इन दो टर्म्स में लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म को इस तरह से लिखा जा सकता है, ये हम देख सकते हैं कि xi इस समेशन से जब j इक्वल्स टू 1 टू n होगा तो इस समेशन से इंडिपेंडेंट होगा, xi को हम इससे बाहर लिख सकते हैं, यानी समेशन i इक्वल्स टू 1 टू m xi इनटू समेशन j इक्वल्स टू 1 टू n pij। इसी तरह से सेकेंड टर्म में हम yj जो होगा वो इस समेशन से इंडिपेंडेंट होगा, यानी सिर्फ yj इस समेशन पर डिपेंडेंट होगा या इस समेशन के ऊपर ही वर्क करेगा, इससे हम बाहर लिख सकते हैं। तो yj को हम इस समेशन से बाहर लिख सकते हैं, तो इस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं समेशन j इक्वल्स टू 1 टू n yj इंटू समेशन i इक्वल्स टू 1 टू m pij। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देख चुके हैं कि समेशन j इक्वल्स टू 1 टू n pij की वैल्यू pi के इक्वलेंट है, जबकि समेशन i इक्वल्स टू 1 टू m pij की वैल्यू pj डैश के इक्वलेंट है। तो इनके मान रख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो e(x+y) के लिए हमारे पास ये दो टर्म्स मिलेंगी और दोनों रैंडम वेरिएट x और y के मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन से हम जानते हैं e(x) इसी एक्सप्रेशन के इक्वलेंट होगा, x की वैल्यूज इंटू करेस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटीज। इसी तरह से e(y) y की वैल्यूज इंटू करेस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटीज। तो e(x) की डेफिनेशन है ये, इसी प्रकार से ये e(y) की डेफिनेशन है। तो हम कह सकते हैं कि e(x+y) इक्वल्स टू होगा e(x) प्लस e(y) के। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि दो रैंडम वेरिएट के सम की एक्सपेक्टेशन उन दोनों वेरिएट की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस के सम के बराबर होती है। एक और थ्योरम, थ्योरम बी, दो स्वतंत्र यादृच्छिक विचरों के गुणन की गणितीय प्रत्याशा उनकी प्रत्याशाओं के गुणनफल के बराबर होती है, दैट इज e(x,y) इक्वल्स टू e(x) इंटू e(y). तो यहाँ पर एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएट हैं लेकिन वो स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। उनके मल्टीप्लिकेशन की मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन e(x,y) उन दोनों की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है, ये हमें प्रूफ करना है। लेकिन ये रिजल्ट तभी ऑलवेज ट्रू होता है जब एक्स और वाई स्वतंत्र रैंडम वेरिएट हों, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएट हों। इसका प्रूफ भी बिल्कुल सिमिलर वे में जैसा हमने ऊपर थ्योरम को प्रूफ किया है। तो एक्स और वाई दो स्वतंत्र यादृच्छिक विचर हैं, दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएट हैं। तो x के कुछ मान होंगे जो कि इस प्रकार हैं, यानी x के ये मान हैं x1, x2, xm और इनके मानों के संगत प्रायिकताएं p1, p2, pm हैं। इसी प्रकार y भी एक रैंडम वेरिएट है, y के मानों के संगत प्रायिकताएं p1 डैश, p2 डैश, pn डैश और एक्सपेक्टेशन की परिभाषा से हम जानते हैं e(x) इस एक्सप्रेशन के इक्वलेंट होगा। इसी प्रकार से e(y) इस एक्सप्रेशन के इक्वलेंट होगा, समेशन j इक्वल्स टू 1 टू n yj pj डैश।
अब चूंकि x और y दोनों रैंडम वेरिएट हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी एक रैंडम वेरिएट होगा और जिसके मान xi into y जैसे दिए जाएंगे, जहां i इक्वल्स टू 1 टू m होगा। इसी प्रकार j इक्वल्स टू 1 टू n होगा, j का मान 1 से लेकर n तक होगा। तो एक्स वाई जो नया रैंडम वेरिएट है वो एम एन वैल्यूज को ग्रहण करेगा, इसके एम एन मान होंगे और इन मानों के संगत प्रायिकताओं को हम पी आई जे से व्यक्त करते हैं। तो पी आई जे जो होगा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आई तथा वाई इक्वल्स टू वाई जे की स्थिति में, यानी एक्स जब एक्स आई हो तथा वाई इक्वल्स टू वाई जे हो। और यहाँ एक्स वाई जो वेरिएट है उसकी डेफिनेशन से हम देख सकते हैं कि एक्स आई तथा वाई जे कि जो घटनाएं होंगी, इन स्थितियों में जो घटनाएं होंगी, उन दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हम जानते हैं। यदि दोनों वेरिएट इंडिपेंडेंट हो, एक्स आई घटना तथा वाई जे घटना दोनों स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, तो इनमें से दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता इन दोनों की प्रायिकताओं के मल्टीप्लिकेशन के इक्वलेंट होती है, इनके दोनों की प्रायिकताओं के गुणा के बराबर होती है। तो पी आई जे जो होगा वो पी आई इंटू पी जे डैस होगा। अतः पी आई जे इक्वल्स टू पी आई इंटू पी जे डैस होगा। एक्स आई इंटू वाई जे की प्रोबेबिलिटी एक्स आई की प्रोबेबिलिटी इंटू वाई जे की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी, क्योंकि एक्स तथा वाई दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएट हैं, स्वतंत्र यादृच्छिक विचर हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा। एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन से हम जानते हैं एक्स वाई का एक्सपेक्टेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वलेंट होगा। समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू एम, समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू एन, पी आई जे इंटू एक्स आई इंटू वाई जे। पी आई जे का मान हम इक्वेशन नंबर 3 से रख सकते हैं। पी आई जे की वैल्यू पी आई इंटू पी जे डेस, और इस समेशन को हम, इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इन दो एक्सप्रेशन के मल्टीप्लीकेशन में व्यक्त कर सकते हैं। चूंकि पी आई तथा पी आई इंटू एक्स आई इस समेशन से इंडिपेंडेंट होंगे, तो ई ऑफ एक्स वाई के लिए ये एक्सप्रेशन होंगे। एक्स आई तथा वाई जे यानी एक्स और वाई वेरिएट के एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन से हम जानते हैं ये एक्सप्रेशन ई ऑफ एक्स के इक्वलेंट होगा। इसी प्रकार से ये एक्सप्रेशन ई ऑफ वाई के इक्वलेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक्स तथा वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएट हों, तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन की एक्सपेक्टेशन इनकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होती है। लेकिन ये रिजल्ट हमेशा तभी सत्य होता है जब ये दोनों वेरिएट स्वतंत्र हों। अगर ये दोनों वेरिएट परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, तो ये रिजल्ट सत्य हो भी सकता है, ये रिजल्ट फॉलो भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि रिजल्ट फॉलो हो।